हेलो फ्रेंड्स, देसी किचन में आपका स्वागत है। आज की डिश है ढोकला, जो एक गुजराती डिश है। चलिए मैं बताती हूँ आपको इसको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे इसको बनाने में। करी पत्ता, 4 कटी हुई मिर्ची, सरसों या राई के दाने, हींग, हल्दी, नमक, चीनी, इनो 1 पैकेट और ये चने का बेसन। इस चने के बेसन में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले घोल बना लेते हैं। पहले ये कटी हुई मिर्ची ऐड कर दूंगी। आधे छोटे चम्मच हींग, आधे छोटे चम्मच हल्दी, आधे छोटे चम्मच चीनी और स्वाद के अनुसार नमक। नमक आपको इतना डालना है कि आपको इसमें पानी डाल के बैटर तैयार करना है, तो उसके लिए भी ये सफिशियंट रहे नमक। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये घोल तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए, काफी पतला नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये भगोने में 2 से 2.5 ग्लास पानी चढ़ा दिया था। अब ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, तब तक हम घोल में इनो ऐड करते हैं। इनो में 1 पैकेट ऐड करूंगी। ये 450 ग्राम बेसन था, तो 500 ग्राम तक आप 1 पैकेट ऐड कर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपको सीधे भगोने पे या फिर आपको थाली में चढ़ाना हो इसको, तभी आपको लास्ट में इनो ऐड करना है, नहीं तो ये घोल खराब हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए मैंने ये इनो डाल के घोल रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स अब ये थोड़ी सी थाली में ऑयल पूरा फैला देंगे अच्छे से। ऑयल इसलिए लगा रहे हैं कि जब आप घोल इसमें डालें तो ये बन के निकलने के बाद ये अच्छे से साफ से निकल जाए घोल का ढोकला। चलिए अब मैंने इसको लगा दिया है, अब ये घोल इसमें डाल देती हूँ मैं। फ्रेंड्स अब इसको अच्छे से बर्तन में फैला देंगे। पानी गरम हो गया है, अब इसमें उबाल आने वाला है। अब मैं इसमें एक चलनी चढ़ा दूंगी और उसके ऊपर ये घोल की थाली। और उसको अच्छे से ढक देंगे। आपको ऐसे ढकना है कि ये जो भाप अंदर से निकले वो बाहर ना जाए और अच्छे से ये हो जाए। फ्रेंड्स अब इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे ये अच्छे से हो जाए। इसको बीच में बार बार खोलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक कर लूंगी एक बार। इसमें एक नाइफ डाल के देखेंगे, अगर ये नाइफ अच्छी तरीके से बिना कुछ लगे वापस आ जाती है, मीन्स हो गया है। देखिए कुछ नहीं लगा है। चलिए अब हम इसको ठंडा करके कट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने कट कर लिया है, जिसमें हम तड़का देंगे। फ्रेंड्स एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई। करी पत्ते, कटी हुई मिर्च, मैंने ये मूंगफली की चटनी बनाई थी फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा सा तड़का दे देंगे।
फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी हुआ है और अच्छे से स्पंजी बना हुआ है। ये आपका घोल जितना मोटा होगा उसी हिसाब से काफ़ी मोटा होगा, आप देख सकते हैं इसको। ये खाने में मैं मूंगफली चिक्की चटनी के साथ में पेश कर रही हूँ अपने घर वालों के लिए। आप चाहें तो कोई दूसरी भी चटनी बना सकते हैं, और मूंगफली की चटनी की रेसिपी देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।